बिहार नवयुवक सेना की बैठक आज मोतिहारी शहर के एच प्रतिष्ठान में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने किया, जहां आज फिर जिला कमेटी के प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें लक्ष्मण शाह को जिला कोर कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। आशुतोष ठाकुर को ढाका प्रखंड अध्यक्ष, आनंद कुमार को चौड़ालानो प्रखंड अध्यक्ष और अभिषेक पांडे को केसरिया प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। आज जो भी टी संगठन है, आप सभी नौजवानों के बदौलत है, आप सभी भाइयों के मेहनत से और आपके सहयोग से, क्योंकि आप लोग हैं तो भी बिहार नवयुवक सेना है, आप लोग हैं कोई अनिकेत पांडे है, आप लोग नहीं है तो मेरा भी कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारा ताकत है। और हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी के सामने खड़ा हो सकता हूँ। और हमेशा मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ, हमेशा एक बात बताता हूँ कि माटी के पुतला तो सारा दुनिया बन के खड़ा है भैया, तो हमने के माटी के पुतला नहीं बनना है। तो कहना चाहते हैं कि माटी के पुतले घर देह में ईमान जिंदा है, माटी के पुतले घर देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश के समृद्धि का अरमान जिंदा है। माटी के पुतले घर देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश के समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, हैं अब किसी के भाषण से कोई उम्मीद नहीं है, किसी नेता के भाषण से कोई उम्मीद नहीं है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, आप नौजवानों के भरोसे मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।